हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो टुमारो इज करवा चौथ एंड हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ कुछ पूजा की सामान वगैरह लेने। हमारी करवा चौथ की जितना भी खरीदारी थी वो हो चुकी है, सो अब हम लोग मेहंदी लगाने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने मेहंदी लगा लिया है लेफ्ट हैंड में, और अब बारी है राइट हैंड, जो कि मुझसे तो नहीं होने वाला। सो राइट हैंड में मेरे हस्बैंड जी लगाएंगे, चलिए देखते हो कैसा लगता। तो मेहंदी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है, ये देख सकते हो। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। कर चुके हैं तेरा, और मेरी मेहंदी को शुद्ध करते हुए क्या बना रहे हैं? स्वास्तिक बना रहे हैं मेरे हाथों में, ताकि मेरी मेहंदी बहुत ज्यादा शुभ हो जाए। महारत हासिल कर लिया मैंने इस चीज में, शादी के बाद आप लोग भी करेंगे। मौला तू ही राम, मौला मेरे ले ले मेरी जान, हाय मौला मेरे ले ले मेरी जान, तेरे ही संग थी होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे संग सावन आया, तेरे संग भादो आया, लौट के आएगा तू शरत लगा ले, तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से, मैं तो तू ही था मौला तू ही राम, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम तेरा साथ मेरा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ, न कोई था न कोई है जिंदगी में अब तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। So, काफी मेहनत के बाद ऐसा कुछ दिखता हुआ मेहंदी देख रही हूँ, इनको भी देख लीजिए कैसे बैठे हुए। काफी मेहनत लगा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो और हमको शादी सोच समझ के करें, सावधान रहें, सतर्क रहें।
मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ये वीडियो देख के दूसरी बीवियां अपने पतियों को तंग ना करे वरना मुझे काफी गालियां सुनने को मिलेंगी। जान क्या हो भाइयों, अपना अपना धर्म निभाते चलो और हरि के गुण गाते चलो। सो फाइनली हो चुकी है कंप्लीट, देखिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:50 और यहाँ पे नारियल पानी पीती हुई सरगई कर रही सुबह सुबह उठ के, ताकि प्यास न लग जाए, भूख न लग जाए। तो यहाँ पे है मेरी सारी पूजा की सामग्री, जो जो मुझे करवा चौथ जो मैं पूजा करूँ उसमें चढ़ाने के लिए सब कुछ मैंने रख दिया यहाँ पे सारे। अब बस जब सूर्य ढल जाएगी उसके बाद मैं पूजा करूँगी। एंड हाँ, आज मुझे कहीं जाना है तो मैं सारा अरेंजमेंट कर लूँगी, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे कथा वथा सुनना है सब कुछ, उसके बाद फिर आके मैं यहाँ पे अच्छे से पूजा करूँगी। मैं वो भी आपको दिखाऊँगी मैं कैसे की मेरी फर्स्ट है, पता नहीं कैसा होगा, कैसे करूँगी पता नहीं। हो चुकी तैयार, अब मैं जा रही हूँ मेस में जा रही हूँ, वहाँ पे पूजा होगी, फिर मैं मिलती हूँ। वंदना जी, अब मैं एक बार आशीर्वाद देते हुए, खुश रहो खुश रहो, सदा सुहागन रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, मेरे साथ रहो। और यहाँ पर काफी भावुक होती हुई